वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं पाई की बहुत ही मजेदार रेसिपी। सबसे पहले एक कप तेल शामिल करेंगे, उसको थोड़ा गर्म होने देंगे और दो मीडियम डाइस ऑनियन उसमें शामिल करेंगे और इसे डार्क ब्राउन फ्राई करेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रही है, हम बताते चलें कि आज हम बनाने लगे हैं पाई की बहुत ही मजेदार रेसिपी जो कि सर्दी में बहुत पसंद की जाती है। अब हमारी प्याज यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, हम उसे प्लेट में निकाल लेंगे, उसको स्ट्रेन कर लेंगे। प्याज को स्ट्रेन करने के बाद हम इसी तेल में 3 तेज पत्ते और कुछ गरम मसाला शामिल करेंगे, इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम फ्राइड ऑनियन, 2 मीडियम नॉर्मल ऑनियन और 1 कप दही का पेस्ट बना लेंगे और अपने तेल में शामिल करेंगे 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। याद रखिए कि हमारा मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सौते करेंगे और इसके बाद हमारा जो पेस्ट हमने तैयार किया था दही का वो इसमें शामिल कर देंगे और उसे भी अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। इसे को फ्राई करने में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। आप इसे फ्राई करते रहें, अच्छे से फ्राई करें। उसके बाद इसमें हसबे जायका नमक, 3 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे और अब मसाले डाल के भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसके साथ साथ हमने अपने पाए कुकर में गलाए हैं। हमने पायों को गलाने के लिए वैसे लाने के बाद 30 मिनट तक पकाया है और बोन को हमने वैसे लाने के बाद 15 मिनट तक पकाया है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारा जो नरोठा है वो बहुत अच्छी तरीके से चम्मच के साथ भी टूट रहा है। इस हद तक हमें इसको गलाना है। अब ये गलाने के बाद हमने जो मसाला प्रिपेयर किया है हम इसको उसमें शामिल कर देंगे। जिस पानी में पायों को गलाया है उस पानी को फेंकेंगे नहीं, हम अपनी यखनी अपने मसाले में शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो मोंगा देखे उसे भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको 15 मिनट तक लग के पकाएंगे। इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और इसको अगले 5 मिनट लगे तो दोबारा ढक के पकाएंगे और मजेदार पाए की रेसिपी हमारी तैयार है।